गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर ने भरा नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन के दौरान मौजूद रहे। नामांकन जनसभा में मेवात से उमरा जन सैलाब। गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में राजबब्बर नामांकन सभा में पहुंचे, जहां पर अपने वक्तव्य में बोलते हुए राजबब्बर ने कहा कि उन पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वह भारी हैं, उन्होंने कहा कि वह ना तो भारी हैं और ना ही भारी हैं। वे तो लोगों के दिलों में राज करने के लिए आए हैं। वह आगरा में बसे मुंबई को अपने कर्मस्थली बनाया और लोगों के दिलों में राज किया। इसी तरह अब गुरुग्राम को अपनी कर्मचारी बनाकर जहाँ के लोगों के दिलों में राज करने के लिए वे पहुंचे हैं। उन्होंने संसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकल मुद्दों को संसद ने गौर किया है। गुरुग्राम में अस्पताल है, ना बस स्टैंड है, ना सड़कें हैं। पूरा गुरुग्राम बरसात में तालाब बन जाता है। आज इस चुनावी यज्ञ में अपनी शिरकत करने वाले तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को, देवियों को और सज्जनों को मैं नमन नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन इस बात के लिए है कि आप हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व विकास पुरुष जावेद नीचे कर लो यार, हरियाणा की हर जाति धर्म के साथ नीचे कर ले यार, मोहब्बत के साथ में गले और दिल से मिलने वाले आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदयराम जी यहाँ पर, हमारे पक्ष हमारे नेता यहाँ पर, सिद्धा साहब यहाँ पर हैं, हमारे साहब यहाँ पर हैं, भाई इलियास साहब यहाँ पर है, अमन साहब यहाँ पर है, जितेंद्र जी, मेरा छोटा भाई वर्धन, उमेश अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर मौजूद है। दस साल में दिया क्या, दस साल में दिया क्या, दस साल के अंदर ग्वालियर जैसे गांव में आज भी पानी भर रहा है। एक नौजवान था, फिर दिखा रहे थे कि गांव की गली में पानी फिर से चल रहा है। ये है इस क्षेत्र का हाल। यहाँ के बच्चे नौजवान सड़कों पर, बुजुर्ग सड़कों पर, किसान सड़कों पर, मजदूर मजदूर सड़कों पर, और महंगाई के मारे, बेरोजगारी के मारे आज यहाँ पर केवल सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग रहे। यहाँ पर 18 से 20 साल का लड़का, आज 18 साल का होगा, शायद वो अपने जन प्रतिनिधि की शक्ल नहीं देखी होगी, जो मुझे ऐसा नहीं लगा। उसको नहीं मालूम कि मेरे जन प्रतिनिधि की शक्ल क्या है, कभी उसने देखा नहीं अपने क्षेत्र में आते हुए। मुझे कल रिवाड़ी के लोगों ने बुलाया, कहा मुझसे क्या कहाई, कहीं मैं आऊंगा जरूर आऊंगा, मुझसे आप आइए एक बार देखिए। आपको गलत फहमी है कि रिवाड़ी के अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, यहाँ उनका उनका अपना क्षेत्र है, यहाँ पर उनका क्षेत्र है, उनकी शक्ल नहीं देखी। अगर हम यहाँ दावत देने के लिए जाते तो कहते तो उनको बता दो कि मैं दावत नहीं आता। दोस्तों मैं दावत के लिए नहीं आया हूँ, मुझे दावत देना ना देना, मैं आपके बीच में बसने के लिए आया हूँ। आपको हमने वहां पर आज ये जो पहचान बनाई, ये बनाई कि इस परिवार के एक बच्चे
ने जो इस क्षेत्र में काम किया है, जो किसी भी व्यक्ति किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी बिरादरी के, मेरी पहचान मेरा लोगों के दिलों में और लोगों की आवाज को सुनना है। और मैं आप यकीन दिलाता हूँ, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने विश्वास किया है, मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ, इन लोगों का प्यार अपनी मेहनत से लूंगा और आपका जो विश्वास, आपके लिए जो विश्वास है लोगों में, उसको मैं दूना करने का काम करूंगा, उसको मजबूत करने का काम करूंगा। सबका नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नेता इतने हैं यहाँ पर, बल्कि नेता नहीं, वो शक्ति इतनी है यहाँ पर, जिनकी पूजा से मैं शायद कुछ नाम लेना भूल रहा हूँ, इसलिए मैं तमाम इस मंच की ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों, और सुबह से आप लोग बैठे हैं, जिस दिन से मैं आया हूँ यहाँ पर माता सीता के दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए, मुझसे पूछा लोगों ने कि भाई आप गुरुग्राम में आए हैं, गुड़गांव में आए हैं, आप सबसे पहले सीता माता के मंदिर में क्यों आए। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब पहली बार मेरे बुजुर्ग पार्टीशन से पहले जहाँ रहते थे वहां से जब विस्थापित होकर आए, तो इस महापंजाब में आए और आने के बाद जो अम्बाला में उतरे, और उस कैंप में अम्बाला में मेरे बुजुर्गों को जो नौकरी जो रेलवे में करते थे, उनका ट्रांसफर जो है, उनका जॉब जो है आगरा में मिला, और आगरा में हम लोग गए, तो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी बताते हैं कि सबसे पहले जब वो आगरा में गए, उनको इस बात की खुशी हुई कि वो ब्रज भूमि में आए हैं, पास में मथुरा वृंदावन है, सबसे पहले आगरा में ज्वाइन किया और सब उसके बाद सीधे वो मथुरा वृंदावन जाकर उन्होंने दर्शन किए। और उनसे किसी घर वालों ने पूछा कि बेटा यहाँ पर दर्शन इसलिए करो कि जब भी कहीं जाओ तो वहां के सबसे पुण्य स्थान है, जब वहां पर मथुरा टेक हुए तो आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। भाई यहाँ तो शीतला माता है, तो मैंने अगर माथा टेका तो भाई किसी को क्या इतराज, मैं तो अपनी माँ से आशीर्वाद